हेलो फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन विच केम इन जे इम इन एग्जाम इन 2013 फ्रॉम द टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ए कमिटी ऑफ फोर पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू लेडीज टू ओल्ड मैन एंड फोर यंग मैन सच दैट इट इंक्लूड्स एट लीस्ट वन लेडी एट लीस्ट वन ओल्ड मैन एंड एट मोस्ट टू यंग मैन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कमेटी कैन बी फॉर्म्ड वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं तो ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ एट लीस्ट एंड एंड एट मोस्ट तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के केस में जब हमको नंबर ऑफ वेज फाइंड करने होते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट लीस्ट और एट मोस्ट तो उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कैसे करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहले किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें करना क्या है हमें इवेंट आइडेंटिफाई करनी है तो उस चीज़ को मैं बोलता हूँ इवेंट इवेंट डिफाइन करता है आपको कौन से किसके नंबर ऑफ़ वेज हमें आइडेंटिफाई करने हैं तो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेज आइडेंटिफाई करने हैं कि एक कमेटी बनानी है उस कमेटी को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ़ वेज हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो कमेटी हमें कितने पर्सनस की बनानी है वो कमेटी बनानी है हमें फोर पर्सन्स की तो बेसिकली हमारा इवेंट क्या है वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक ए कमेटी ऑफ फोर पर्सनस अब ये फोर पर्सनस की कमेटी कहाँ से बनानी है फ्रॉम टू लेडीज टू ओल्ड मैन एंड फोर यंग मैन तो ये हमको कमेटी बनानी है तो उसको मैं लिख लेता हूँ टू एल टू ओ एंड फोर वाई लेडीज ओल्ड मैन एंड यंग मैन अब हमें बेसिकली क्या करना है इस सेट में से ये फोर पर्सन को बेसिकली हमें क्या करना है सेलेक्ट करना है तो अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी कमेटी बन जाएगी तो ये हमारा इवेंट है तो हमें सिलेक्शन का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ करना है सिलेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है पी में दैट इज एन ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ध्यान रखिए ये फार्मूला तभी लगता है जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन करते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी पर्सन है दे विल ऑल बी डिफरेंट तो हमें उसमें से फोर पर्सन सेलेक्ट करने हैं अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं गिवन होती एट लीस्ट एट मोस्ट एंड सच लाइक दिस तो उस केस में हम क्या करते हैं एट पर्सन है उसमें से हम फोर पर्सन को सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे हम लिखते हैं एट सी फोर और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अब लेकिन क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है एट लीस्ट वन लेडी एट लीस्ट वन ओल्ड मैन एंड एट मोस्ट टू यंग मैन तो इसका मतलब क्या है हमें एक कम से कम एक लेडी चाहिए और एक ओल्ड मैन चाहिए और एटमोस्ट टू यंग मैन एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तो एटलीस्ट मीन्स मिनिमम मिनिमम हमें एक लेडी चाहिए और एक ओल्ड मैन चाहिए एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम मैक्सिमम हमें टू यंग मैन यहां पे चाहिए तो ये हमारा क्वेश्चन है जब किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट गिवन होता है इसका मतलब क्या है हमें ये नहीं पता जब हम फोर पर्सन सेलेक्ट करेंगे तो कितने लेडीज सेलेक्ट करेंगे कितने ओल्ड मैन और कितने यंग मैन हमें सिर्फ ये पता है कि मिनिमम सेलेक्शन ये है और मैक्सिमम सेलेक्शन ये है तो इस केस में क्या है डेफिनेटिव वैल्यू नहीं पता कितना सिलेक्शन हमें करना है तो इस केस में क्या करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के तो हम क्या करते हैं उसमें केसेस बनाते हैं कि इवेंट को हम कितने डिफरेंट केसेस में कंप्लीट कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सेलेक्ट फोर पर्सन हमें करने हैं तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम इवेंट को कंप्लीट करने के लिए केसेस बनाएंगे एक केस रिप्रेजेंट करेगा वन ऑफ द मेथड्स जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं सिलेक्शन कर सकते हैं इनमें से इस तरह से सिलेक्शन करेंगे ताकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी और फोर पर्सन भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो इस केस में हम क्या करेंगे जब यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे तो केसेस बनाते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के हिसाब से तो आप एटलीस्ट के हिसाब से भी केस बना सकते हैं एटलीस्ट वन एल तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि वन एल और टू एल और यहाँ पे ओ के हिसाब से भी केसेस बना सकते हैं वन ओ और टू ओ लेकिन मैं एटमोस्ट के हिसाब से यहाँ पे केसेस बनाऊंगा क्योंकि क्या है एटलीस्ट तो दो में कंडीशन है किसी भी एक के हिसाब से आप फिक्स कर दीजिए उसके हिसाब से आप दूसरे को चेंज करिए ताकि सिलेक्शन क्या आना चाहिए फोर आना चाहिए तो एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू वाई तो इसका मतलब क्या है मैं वाई को जीरो सेलेक्ट कर सकता हूँ मिनिमम वन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और टू भी सेलेक्ट कर सकता हूँ अब मैंने क्या है ये फिक्स कर लिया अब इसके हिसाब से मैं सेलेक्ट करूंगा फोर पर्सनस तो अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लूँ अगर मैं यंग मैन को जीरो सेलेक्ट करूँ तो मैं किस किस तरह से ये लेडीज और ओल्ड मैन को सेलेक्ट कर सकता हूं ताकि सम क्या आना चाहिए फोर आना चाहिए अब हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है तो मैं अगर दोनों में से टू और टू सेलेक्ट करूंगा तभी फोर आएगा और ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो रही है वन एट लीस्ट एंड वन एट लीस्ट ठीक है तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द केस इन विच वी कैन कंप्लीट दिस इवेंट ऑफ सेलेक्शन ऑफ फोर पर्सन वो कमिटी हम बना सकते हैं और क्या केस हो सकता है सेकेंड केस हम ले सकते हैं जब मैंने यंग मैन को सेलेक्ट किया वन उस केस में मैं क्या कर सकता हूं ओल्ड को मैं वन सेलेक्ट कर सकता हूं और लेडीज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं टू ऐसे सेलेक्ट किया इस केस में वन की कंडीशन सेटिस्फाई और ये सम भी कितना आ रहा है फोर आ रहा है और मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये वन हो और ये टू हो इस तरह से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं तो वन के एक और केस यहां पे हो सकता है तो इसके लिए हम वन का एक और केस बनाएंगे उस केस में क्या आएगा फर्स्ट मैं लेडीज में से सेलेक्ट करूंगा वन और ओल्ड मैन में से सेलेक्ट करूंगा टू तो ये केस भी यहाँ पे हो सकता है इस केस में भी सम कितना है फोर के बराबर है और एटलीस्ट की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही तो आप नोटिस करेंगे पहले तीन केसेस में एटलीस्ट की कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होगी क्योंकि उससे कम और उससे ज़्यादा सिलेक्शन हम अपने आप ही नहीं कर पाएंगे ठीक है अब फोर्थ केस में हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इस केस में क्या है हमें टू तो ये सिलेक्ट कर लिए अब हमें फोर सेलेक्शन करना है एटलीस्ट वन और एटलीस्ट वन इसका मतलब क्या है ये भी मुझे वन चाहिए और ये भी मुझे वन चाहिए ये तो मिनिमम वैल्यू और आप मिनिमम कोई ऐड करेंगे तो सम कितना आ रहा है फोर आ रहा है तो फोर सिलेक्शन यहां पे हो गया अब इसका मतलब यहाँ पे जीरो नहीं ले सकता मैं ओल्ड लेडी ओल्ड मैन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता इसको टू ले लू ऐसा नहीं ले सकता ऐसा तब ले सकता था जब ये कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन नहीं है सिर्फ यही गिवन होता तो यहाँ पे मुझे और केसेस बनाने पड़ते हर एक केस रिप्रेजेंट करता है कि इवेंट को इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं और ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं और ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं तो इस तरह से हम इवेंट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से या केसेस से कंप्लीट कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे तो, तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं बेसिकली टू लेडीज में से टू लेडीज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम लिख सकते हैं टू सी टू यहां पे टू ओल्ड मैन में से टू को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी आएगा टू सी टू फोर यंग मैन में से जीरो को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे आएगा फोर सी जीरो अब हम यहां पे यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो क्या कहता है दैट प्रिंसिपल स्टेट्स कि अगर हम एक इवेंट को सब पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं और हमने सब पार्ट के निकालिए नंबर ऑफ फेस तो जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाती कंप्लीट कब होगी जब फोर पर्सन का सिलेक्शन होगा तो जिसके भी सब पार्ट्स के नंबर ऑफ वेस अगर हम निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज बेसिकली एंड प्रिंसिपल सेलेक्ट टू लेडीज एंड विल सेलेक्ट टू ओल्ड मैन एंड विल सेलेक्ट जीरो यंग मैन तो ये हमने किया इनकेस के नंबर ऑफ वेज को करेंगे हम मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट दिस इज एंड प्रिंसिपल और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिमिलर तरीके से अब कैलकुलेट करेंगे के टू के नंबर ऑफ वेज तो के टू के नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे टू का सेलेक्शन है टू सी टू टू सी वन और फोर सी वन ये तीनों नंबर ऑफ वेज निकालेंगे और इसको करेंगे मल्टीप्लाई जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं है नंबर ऑफ एज को निकाल के अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इवेंट कंप्लीशन मतलब फोर पर्सन का सिलेक्शन सिमिलर तरीके से अब हम आएंगे थर्ड केस में थर्ड केस में यहाँ पे क्या आएगा टू सी वन टू सी टू और यहाँ आएगा फोर सी वन इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो थर्ड केस के हमें मिल गए टोटल नंबर ऑफ एज ऑफ कंप्लीशन फोर्थ केस के लिए अब निकालेंगे तो आएगा टू सी वन मल्टीप्लाइड बाय टू सी वन मल्टीप्लाइड बाय फोर सी टू तो इसके लिए भी निकाली हमने टोटल नंबर ऑफ फेज अब देखिए अगर इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें केसेस बनाने पड़ते हैं तो अब हम यहां यूज करेंगे और प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है वो कहता है कि अगर आप किसी भी इवेंट को एक केस में इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं यहां पे देखिए इवेंट कंप्लीट हो गया है और इस केस में आप इस तरह से भी इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से भी इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर इन केसेस में और इन मेथड्स में कुछ भी कॉमन नहीं है कॉमन का मतलब अगर आप इस तरह से इवेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस तरह से इवेंट कंप्लीट नहीं कर सकते इसका मतलब अगर मैं इस तरह से सिलेक्शन कर रहा हूं तो मैं इस तरह से सिलेक्शन नहीं कर सकता और इस तरह से सिलेक्शन कर रहा हूं तो मैं इस तरह से सिलेक्शन नहीं कर सकता तो ये डिफरेंट केसेस में कुछ भी कॉमन नहीं है ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं होगा ठीक है तो अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या करते हैं जितने भी हर केस के नंबर ऑफ वेज आते हैं उनको हम क्या करते हैं एड कर सकते हैं दिस इज एडिशन प्रिंसिपल तो बेसिकली आइडिया इज कि अगर हम केस बनाते हैं तो हर केस रिप्रेजेंट करता है वन वे ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट तो हर केस में जो सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज आएंगे उनको आप करेंगे मल्टीप्लाई और हर केस के नंबर ऑफ वेज अगर आप निकाल के फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इस तरह से हम एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं अब हमें यहाँ पे करनी है सिर्फ कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके ठीक है तो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा ये वैल्यूज अगर आप इवेल्यूएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 41 ठीक है ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बी अब आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लिया एटलीस्ट और एटमोस्ट का तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन आया था ए ट्रिपल इयर टू थाउजेंड थ्री में और ये क्वेश्चन आया रिसेंटली जेई एडवांस के एग्जाम में इन ईयर टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन ठीक है और अगर ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है तो यहाँ पे जब हम टेबल बनाएंगे तो एटलीस्ट के हिसाब से बनाएंगे मिनिमम फोर तो मिनिमम फोर फिर फाइव सिक्स सेवन इस तरह से हम केसेस लेंगे और ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है नेक्स्ट पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है तो वो वीडियो आप पार्ट टू देख सकते हैं ठीक है अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल फॉर कंप्लीट प्लेलिस्ट विजिट द लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वाल पे भी शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव ए नाइस डे